हेलो लर्नर्स वेलकम टू आई एस मेरथन योर फ्रेंड वंस अगेन विद अ न्यू लेसन एंड दिस इज़ द लेसन विच इज़ पार्ट ऑफ आर सीरीज इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया दिस इज केस नंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है तो केस नंबर ट्वेंटी थ्री तक हम पहुंच चुके हैं ट्वेंटी टू केसेज हम कंप्लीट कर चुके हैं मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इन दी कॉमेंट टेक्स्ट ई मेल आपको जैसा सही लगे वैसे तो टी एस आर सुब्रमण्यम एंड अदर्स वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया ट्वेंटी थर्टीन का ये केस है ज़रदस्त कैसे बहुत मजा आएगा पढ़ने में बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू फॉर विच वी आर एमिंग फॉर राइट सो सिविल सर्वेंट्स हाँ सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या ओरल डायरेक्टिवस मानना सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या ओरल डायरेक्टिव ज़रूरी है क्या बाउंड होते हैं क्या वो या फिर आई एस जैसी आई एस जैसी सर्विस आई पी एस जैसी सर्विस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री है कि नहीं है तो इन सबका आंसर हमको इस वाले जजमेंट के अंदर मिलेगा जबरदस्त केस है वर्ल्डिट क्या आता है क्या एक्चुअली में ऐसा फॉलो हुआ है क्या अभी तक हम इतने केसेस करते रहे हैं इन द लास्ट हम देखते हैं इंपैक्ट तो इंपैक्ट का मतलब यही है कि क्या पूरा वर्ल्ड में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव को ऑर्डर्स को फॉलो किया गया या सिर्फ पेपर्स में हमने बात की गई है राइट तो स्टार्ट करते हैं तो टी एस आर सुब्रमण्यम केस जो है वो एक्चुअली हमें बताता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का प्रोफेशनलाइजेशन होना चाहिए एंड एफिशियंसी uh, बढ़नी चाहिए प्रमोशन होना चाहिए एफिशिएंसी का गुड गवर्नेंस होना चाहिए राइट right? अब uh, uh, अगर मैं आपसे कहूं तो इसके अंदर उन वर्डिक्स का भी जिक्र हुआ जो वर्डिक हम पहले कर चुके हैं विशाखा केस प्रकाश सिंह केस एंड विनीत नारायण केस इसके अंदर भी गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्टिव इश्यू करके दिए थे कि ब्यूरोक्रेसी को जो है वो अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आप हटाएं राइट right? वो नहीं पढ़ना चाहिए उन पर जिससे उनको जैसे सिक्योरिटी ऑफ टिनियर उनको प्रोवाइड किया जाए ब्यूरोक्रेटिक एफिशेंसी आए एंड इन सबसे होगा क्या अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस है ना और इसके अंदर एक बात और कही गई थी कि, कि किस तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी होती है किसी भी एक्शन को करने के लिए तो उसको उस अकाउंटेबिलिटी का प्रूफ क्या होगा इन रिटर्न कोई भी ऑर्डर आपको मिले तो उसको इन रिटर्न ही माना जाएगा ओरल डायरेक्टिव्स को फॉलो ना किए जाए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक बार बताता हूँ जबरदस्त गर्मी हो रही है आप सब लोग जो हैं वो हीट वेव्स की चपेट में ना आए और पूरा ध्यान से पूरे केयर करके अपनी हेल्थ पर भी फोकस करें तो ठीक है तो इतना गर्मी में भी आपके लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका जो है सपोर्ट तो बनता ही है राइट तो स्टार्ट कर हैं टी एस आर सुब्रमण्यम ये एक लैंडमार्क कैसे जो प्रोफेशनलाइजिंग ब्यूरोक्रेसी करता है गुड गवर्नेंस के लिए काम करता है तो डेफिनेटली जो टी एस आर सुब्रमण्यम एंड अदर्स है वो पिटिशनर्स हैं और यूनियन ऑफ इंडिया अदर रिस्पोंडेंट ओके सो ये मेरा फर्ज है बताने का स्टार्टिंग से मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ बिकॉज हम स्ट्रक्चरली पढ़ रहे हैं आप राइट बैकग्राउंड देखें तो टी एस आर सुब्रमण्यम है कौन राइट तो टी एस आर सुब्रमण्यम फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं छोटी मोटी पोस्ट नहीं है सबसे टॉप के आई एस ऑफिसर हैं इंडिया के अंदर इनके साथ 82 टू अदर्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे जिसके अंदर आईपीएस आईएफएस आईएएस ये सब इनके अंदर थे सॉरी इनके लिए इन्होंने क्या किया एक पब्लिक इंटरेस्ट रिट पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंदर आर्टिकल थर्टी टू ठीक है अंदर आर्टिकल थर्टी टू अब इनका ऑब्जेक्टिव ये था बेसिकली कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अब अनेसेसरी पोलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है ना वो इंसुलेट करता है काफ़ी ज़्यादा एंड टू पुट एंड एंड टू फ्रिक्वेंट ट्रांसफर ये चाहते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स का पॉलिटिकल बॉसेस जब चाहे जब ट्रांसफर कर देते हैं ना तो उसको उस उस प्रथा को ख़त्म किया जाए इसलिए इन्होंने रिट पिटिशन दायर करी अब हवा में ही बात नहीं करी इन लोगों ने आखिरकार आई एस और टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमिटीज़ का कमीशन के रिकमेंडेशनस को यहाँ पर लेकर आए रिपोर्ट्स को लेकर के आए एंड उनका यहाँ पर बेस बनाया राइट अब जैसे कि इन्होंने बात करी यहाँ पर संथानम कमेटी जो 1962 में आई थी राइट संथानम कमेटी चाहो तो आप लिख सकते हैं ठीक है उसके अलावा झा कमेटी झा कमीशन सॉरी 1986 में आया था सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम उसके अलावा होटा कमेटी ये इंपॉर्टेंट है आगे भी नाम आएगा समझा दूंगा होटा कमेटी जो थी वो वो टू थाउजेंड एंड फोर में आई थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड ए आर सी सेकेंड ए आर सी भी डिटेल लेसन आएंगे आपके अगर आपको चाहिए तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में अगर आपको डिटेल्ड लेसन चाहिए पर चैप्टर सेकेंड एंड ए आर सी टू थाउजेंड एंड एट में आता था राइट तो इसके अंदर ये सब मैंशन किए गए थे पिटिशनर चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंडेट करें और वो क्या है वो ये है। सबसे पहले तो ये चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाए या फिर सिविल सर्विस कमीशन बनाया जाए सेंटर और स्टेट और, uh, को लेकर के ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर फिक्स टीन्यो कर दिया जाए ताकि स्टेबिलिटी आ जाएगी सिविल uh, सर्वेंस के uh, काम को लेकर के नेक्स्ट नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन जो इशू होते हैं ना बेसिकली सिविल सर्वेंस को लेकर के उन सबको रिटर्न में माने जाए और ताकि जितने भी रिकॉर्ड हम कर सकें जितने भी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन ऑर्डर्स सजेशंस आते हैं उन सबको रिकॉर्ड कर सकें चाहे वो कोई भी हो पॉलिटिकल अथॉरिटीज से आ आ आए आपके लेजिस्लेचर से आए कमर्शियल या बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर के तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई राइट right? अब अब आर्ग्यूमेंट देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स ठीक है अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से केस आगे बढ़ा आर्ग्यूमेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये है कहते हैं Petitioners. Petitioners सबसे कहते हैं कि एक की हमें है, ना? और यही बोर्ड होगा uh, uh, करे, कि कितने मतलब ट्रांसफर किए जाए किस किस तरीके से किए जाए किन पोस्टिंग किया जाए विदाउट सेक्रीफाइसिंग द एग्जीक्यूटिव फ्रीडम ऑफ द गवर्नमेंट राइट तो ये इनका ऐसा मानना है दूसरा इन्होंने सजेस्ट किया कि जो ये ये एक एडवाइसरी कैपेसिटी का काम करेगा एंड इसके रिकमेंडेशन जो होंगे वो बेसिकली पॉलिटिकल अथॉरिटी की इंडिपेंडेंस को भी बरकरार रखेगा आ, और पोस्टिंग ट्रांसफर्स इन सब का भी अच्छे से आ, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिली काम हो सकेगा ना कि जो प्रीमिच्योर ट्रांसफर किए जाते हैं बाय द पॉलिटिकल बोसेस विदाउट एनी रैशनल पिटिशनर्स और क्या बोलते हैं पिटिशनर्स बोलते हैं कि देखो बहुत ज़रूरी है Uh, इस तरीके की सी uh, एस बनाना क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आएगी और जो वेरियस प्रोग्राम्स जो लेकर के आता है जिनको इम्प्लीमेंट uh, कौन करता है ब्यूरोक्रेसी ये यू पी का एक क्वेश्चन भी है ट्वेंटी का कि ब्यूरोक्रेसी का एक्चुअली में क्या रोल है ठीक है तो उसका आंसर uh, यही है कि जो पॉलिसीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंट कर सके राइट तो अब uh, जिसके काफ़ी सारे सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकते हैं सोसाइटी में तो उसको इम्प्रूव uh, करने के लिए है ना सेकेंड जो आर्बिट्री एंड इ लीगल होते हैं उनको अवॉइड करना चाहते हैं है ना इस तरीके का बोर्ड जब आएगा और इस तरीके की इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाएगी तो ये सब जो चुनौतियां हैं वो उनको पार कर सकेंगे ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो रिस्पोंडेंट्स हैं है ना अब रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि इस तरीके की जो सी आप बनाने की बात कर रहे हो ये तो एक्चुअली इंटरफेरेंस हो जाएगा गवर्नमेंट की वर्किंग में गवर्नमेंट के फंक्शंस में कैसे जी ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं पब्लिक को पीपल को जैसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनके फंक्शनिंग में ये आप एक रोड़ा लेकर के आ रहे हैं है ना उनके फंक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं है जो कि हम इस तरीके की कोई बॉडी बनाए राइट सिविल सर्वेंस को लेकर के तो दिस इज नॉट एट ऑल एन एडवाइजेबल थिंग अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट्स इन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से सी बनाने से डुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगा <laughs> राइट डू लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगा जिससे कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में एंड uh, जो एफिशिएंसी होगी ओवरऑल सिविल सर्विसेज की सिविल सर्वेंस की वो कम हो जाएगी इफेक्ट होगी नेक्स्ट यूनियन ऑफ इंडिया ने ये भी सबमिट किया कि अगर हम बात करें तो मिनिमम टिन्योर जो होते हैं कैडर पॉलिसी में आई ए का तो 2006 से हमने वो स्टार्ट कर दिया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में तो uh, जब भी इसकी इस जब इस केस की के हेयरिंग हुई तो उसके उसमें ये प्रेजेंट किया गया कि दो साल मिनिमम टीन्योर आई एस का थर्टीन स्टेट्स इन ज्वाइंट कैडरेज में इंप्लीमेंट होगा राइट अब माई पर्सनल फेवरेट जो आस्पेक्ट होता है वो जजमेंट जजमेंट के अंदर आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने सब दलीलें सुन ली बहुत बढ़िया भाई रिस्पोंडेंट भी सुन लिए पिटिशनर्स भी सुन लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि भाई देखो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रॉबर्टी होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स एंड ये जो वर्बल uh, इंस्ट्रक्शन है ना ये बहुत ही तगड़ा इशू है और ये ऑर्डर जो ओरल ऑर्डर्स है जिनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता ठीक है ये इसको इसको ट्रेस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो ये कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर uh, सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रूल थ्री सब सब रूल थ्री जो है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स नाइनटीन के अंदर उसके अंदर भी ये कहा गया कि जो डायरेक्शंस मिलेंगे ऑफिशियल्स को उनके सुपीरियर से चाहे वो पॉलिटिकल हेड हो या कुछ भी हो तो वो रिटर्न में होना चाहिए रिटर्न में राइट right? और काफी सारी ऐसी केस स्टडीज भी आती है राइट right? आपने एथिक्स की के अगर केस स्टडी सॉल्व की होंगी तो उसके अंदर आता है कि अगर कोई पॉलिटिकल बोस आपको कुछ इन एक्टिविटी जो कि ओरल ओरल वो या वर्बल डायरेक्टिव देता है आपको करने के लिए तो क्या आपको वो करना चाहिए तो वो केस स्टडी उसको हम फिर कभी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी कहा गया कि जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है उनको uh, सारे मैटर्स में रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट इन सब चीज़ों को अपॉइंटमेंट लेकर के सिविल सर्विसेज से पोस्ट में प्रमोशंस में ट्रांसफर में तो इनको एक्चुअली कंसल्ट किया जाएगा लेकिन इन एक्चुअल रियालिटी होता नहीं है सब ठीक है इनकी इनकी इनके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को डेन्यूड कर दिया गया एंड इनकी पावर ऑफ कंसल्टेशन को भी जो है अंडरमाइन किया गया ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिंसिपल गवर्निंग रोल्स एंड रिस्पॉसिबिलिटी है पोलिटल एक्जीक्यूटिव एंड सिविल सर्विस की वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है एंड दूसरी बात अगर हम कहें तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ दी आई जो हमारे सी एस बी थी उसकी उसको लेकर के जो कि होटा कमेटी होटा कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था तो उसके अंदर ये मेंशन था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड पर्सन जो भी होते हैं हा वो वो एमिनेंट होंगे वो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स को गाइड नहीं कर सकते है ना जब तक कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई रूल नहीं बना देती कोई लॉ नहीं बना देती लेकिन कोर्ट ने क्या किया कोर्ट ने एक चीज करी कोर्ट ने एक अल्टरनेटिव रूट निकाला अल्टरनेटिव कंपोजिशन ऑफ द सी एस बी निकाला जिसके अंदर हाई रैंकिंग इन सर्विस ऑफिसर होंगे जो कि खुद सर्विस में है इस टाइम पे और वो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में कैबिनेट yeah. सेक्रेटरी जो सेंटर में हो, जो चीफ सेक्रेटरी होंगे स्टेट लेवल पे उनके साथ मिलकर के इसका संगठन कंपोजिशन किया जाएगा इन्होंने एक चीज और सजेस्ट करी वो ये थी कि अंदर आर्टिकल थ्री जीरो नाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करेगी सिविल सर्विसेज एक्ट एंड सी को बनाएगी यानी कि लीगल बॉडी होगी राइट और यही बेसिकली एडवाइस करेगी गाइड करेगी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर्स पोस्टिंग और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए कोर्ट ने यह भी कहा कि जो है मिनिमम ट्यूअर होना चाहिए एंड uh, ये इस तरीके की जो स्टेट बेसिकली सेंटर स्टेट और यूनियन टेरीटरीज में जो बोर्ड बनाए गए हैं जिसमें हाई रैंकिंग सर्विस हाई रैंकिंग सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ टिल द पार्लियामेंट ब्रिंग द प्रॉपर लेजिशन इसको सेटअप करना पड़ेगा एंड सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसी टाइम पे जब हम बात करें ट्वेंटी थर्टीन में कि विद इन द थ्री मंथ आपको जो है वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इशू करने पड़ेंगे सेंटर से स्टेट एंड यूटीज़ में इस तरीके की बॉडी बनाने के लिए और अरेंजमेंट्स करने के लिए नेक्स्ट बात नेक्स्ट बात जो ज़बरदस्त सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिविल uh, सर्वेंस जो है वो वर्बल औरल इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सजेशन प्रपोजल्स पर काम नहीं करेंगे ठीक है एंड इनको इसी चीज़ से प्रोटेक्ट किया एक्चुअली तो अच्छी बात है ना सिविल सर्वेंस के लिए अगर वो इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो राइट right? क्योंकि जब आ, कोई भी डायरेक्शन या कोई भी इशू को हम लेकर के आते हैं तो वो उनका रिकॉर्डिंग होना चाहिए अच्छे से तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है सिविल सर्वेंस में जो कि अपोल्ड करता है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को उसके अलावा सेक्शन थ्री Uh, जो सेक्शन थ्री ऑफ आर है उस आर एक्ट जो है उसमें भी ये कहा गया था कि हर एक्ट जो कि सिविल सर्वेंस या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किया गया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है ठीक है क्योंकि कभी किसी ने uh, कोई आर uh, फाइल करके कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सिविल सर्विसेज में होती है ठीक है सिविल सर्वेंस की होती है तो ओरल और वर्बल इंस्ट्रक्शन जो है अगर उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया तो वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे है ना तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तगड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा डायरेक्ट किया सेंट्रल स्टेट को यूनियन टेरीटरीज को कि अंडर अंडर रूल थ्री ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 जो कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया उसके अंदर आप है ना डायरेक्ट डायरेक्शन इशू कीजिए और इस तरीके का अरेंजमेंट कीजिए तो ये था वर्डिक्ट अब देखो जबरदस्त बात सुनो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो इस जजमेंट ने एक्चुअली एम किया कि जो ब्यूरोसी है ना उसको अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पहले तो फ्री किया जाए और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी को इंश्योर किया जाए इंक्रीज़ किया जाए ताकि गुड गवर्नेंस हो सके राइट right? फिर अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की कोशिश की गई एंड रिलेवेंट प्रोविजन आर टी एक्ट के इसके अंदर लेकर के आए गए एंड ताकि सिविल सर्वेंट्स की जो है पब्लिक के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है वो आए सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर ये भी कहा था कि जो जो सिविल सर्विसेज है ना जो पब्लिक सर्विसेज हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया हमेशा याद रखना सिर्फ इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नेता लोग ही नहीं होते हम भी होते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोटिक जो ब्यूरोसी में होते हैं है ना या फिर आप पे से जो सब होने वाले हैं वो सब भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है पीपल को तो अब फाइनली हमारा पा, लास्ट पार्ट है वो है इम्पैक्ट इम्पैक्ट देखो क्या है एपक्स कोर्ट के डायरेक्शन तो जरूर आ गए और अमेंड भी किया गया रूल एवन आई एस आई पी रूल्स राइट लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं ना कि जिन्होंने जो सिविल सर्विस हैं उनका ट्रांसफर फ्रीक्वेंटली कर दिया जाता है और सी एस बी जो सी एस बी हमने बात करी थी सिविल सर्विसेज बोर्ड वो भी आज तक इन आ, रियालिटी एग्जिस्ट नहीं करता है सिर्फ पेपर्स में ही है वो ठीक है जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं आपको हाँ पढ़ा दूंगा अच्छे से डिटेल में तो उसका अपने कॉम्पोनेट्स क्या है कॉम्पोजिशन किस तरीके से होगा वो तो पढ़ लिया लेकिन वो एक्चुअली में आया नहीं है ऑन पेपर ये ओनली ठीक है तो ये एक्चुअली इम्पैक्ट होता है तो वर्ड इफ डायरेक्शन कुछ भी आए हों लेकिन इसका इम्पेक्ट क्या हुआ वो ज़रूरी है तो ये था सी एस टी एस आर सुब्रमण्यम एन वर्सिजन ऑफ इंडिया केस तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है मुझे बताओ कैसा लग रहा है आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको कंटिन्यू करूँगा मैं अभी तो काफ़ी सारे केसेस बचे हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नालसा केस हुआ था 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वैसेज यूनियन ऑफ इंडिया ज़बरदस्त केस है ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर को रिलेशन में है क्या उनका लीगल रिकोग्नीशन उनको मिलना चाहिए थर्ड जेंडर को इस तरीके से ठीक है तो आप सबने इसके बारे में सुना होगा मैं चाहता हूँ आप उसके केस को आने के पहले सजेशन दें रिकमेंडेशन करें है ना पढ़ भी लें उसको आ, अपनी तरफ से बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही सही और जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो सब कुछ पढ़ाता हूँ कुछ छोड़ता नहीं है ठीक है तो इस मेहनत को थोड़ा सा जो है आप रिस्पेक्ट करें एंड uh, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको फैलाएं तो मिलते हैं लेसन में जातेट्यूट एंड